नमस्कार। आज हम जैविक प्रक्रियाएं नियंत्रण एवं समन्वय में मस्तिष्क और उसकी भूमिका, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड इट्स फंक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो डायग्राम दिख रहा है उसमें मानव मस्तिष्क है। तो मानव मस्तिष्क वास्तविक में तीन भाग में बंटा है। तो पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। लेकिन इनका जो मुख्य कार्य है, अग्र और पश्चिम जो मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क का जो है, दोनों अग्र और पश्चिम दोनों से मिलता है। तो इसमें जो ऊपरी हिस्सा वाला जो भाग है, देखने सुनने तर्क करने स्मरण करने का कार्य करता है, और जो निचला हिस्सा है वो सांस लेने निकलने तापमान का नियंत्रण और संतुलन करने का कार्य करता है। ठीक है, इसमें जो मस्तिष्क का और उसकी भूमिका, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इट्स फंक्शन, तो इसमें आपको जो डायग्राम दिखाया गया, डायग्राम में आपको बताया गया है, उस अनुसार हमारे शरीर में होने वाली अधिकांश क्रियाओं में मस्तिष्क की जो प्रमुख भूमिका होती है, मस्तिष्क के अलग अलग भाग से अलग अलग जो क्रियाओं का नियंत्रण होता है। मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक आजकल उसके सूक्ष्म काट लेकर परीक्षण करते हैं। अक्सर मस्तिष्क के तीन भाग, अग्र, मध्य और पश्च्य के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं, पर मध्य और पश्च्य तथा अग्र और मध्य भागों के कार्यों में कई समानताएं। अतः मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि मस्तिष्क के निचले भाग से सांस लेने निकलने, शरीर का तापमान का नियंत्रण जैसे कार्य होते हैं, जबकि ऊपरी भाग से सुनने सूंघने तर्क करने स्मरण रखने आदि का कार्य का नियंत्रण होता है। यह भाग अन्य जीवों की तुलना में मनुष्य में अधिक विकसित होती है। मस्तिष्क मेरुरज्जु द्वारा संचालित अनेक अनैच्छिक जो क्रियाओं पर नियंत्रण भी रखता है। जैसे जब आप चलते हैं, तो हम जब चलते हैं तो जो हमारा या आपके कदमों के साथ अनैच्छिक रूप से एक विशेष तात्पर्य में हम लोग चलते हैं। आप जब मार्च पास्ट सीखकर कर रहे होते हैं, तब आपके कदम और हाथ की स्थिति आपकी इच्छा के अनुसार होती है, अर्थात यह एक ऐच्छिक क्रिया है। लेकिन हमारे जो हाथ है, जब हम सामान्य रूप से जब चलते हैं तो हमारे कदम के साथ हमारे हाथ भी ऐसे हिलते रहता है, तो ये अनैच्छिक क्रिया है। आप चलोगे तो ये आगे पीछे होते ही रहता है, लेकिन मार्च पास्ट करते ही सीख करके तो हमारी इच्छा के अनुसार होता है कौन से हाथ आगे कौन से हाथ पीछे लाना है। ठीक, ये ऐच्छिक क्रिया होती है। ऐसी सभी ऐच्छिक मस्तिष्क द्वारा संचालित है। अतः जब हम सतर्क होकर कोई कार्य करते हैं, तब वह कार्य मस्तिष्क के नियंत्रण में होता है। कुछ अनैच्छिक क्रियाएं भी मस्तिष्क द्वारा संचालित होती है, जैसे आँख पर तेज रोशनी पड़ने से पुतली का सिकुड़ना भी होता है। ठीक है, ये अनैच्छिक क्रियाएं भी हो जाती है, और बाकी अनैच्छिक क्रियाएं जो है वो मेरुरज्जु भी उसको नियंत्रित करती है। हमारे हृदय में तंत्रिकाओं का एक ऐसा जाल है, ठीक है, तो जिसमें हृदय का जो धड़कन है वो नियंत्रित रूप से चलता रहता है। मस्तिष्क की सूचनाएं मिलना बंद हो जाए तब भी यह कुछ समय तक हृदय के कार्य को संचालित कर सकता है। ठीक है, इसमें और कुछ जानकारी वाली जैसे बात है, जो जब मस्तिष्क का ऊपरी भाग ठीक से काम करता है, तो यह कार्य जो है यह तीन में से कोई एक भूमिका निभा सकता है। इसमें देखते हैं, पहला है वह उन क्रियाओं को रोक सकता है जिन्हें नीचे वाला भाग तथा मेरुरज्जु करता है, अर्थात मस्तिष्क का ऊपरी भाग ठीक से काम करता है तो वह कोई तीन में से कोई एक भूमिका निभा सकता है। तो इसमें पहला जो है उसमें कौन सी भूमिका निभा सकता है, वह उन क्रियाओं को रोक सकता है जिन्हें नीचे वाला भाग तथा मेरुरज्जु करता है। दूसरा, वह उन्हें नियंत्रित ढंग से चला सकता है। तीसरा, मेरुरज्जु के नियंत्रण के बिना ही सीधे मांसपेशियों की क्रियाओं को संचालित कर सकता है। तीनों में से कोई एक कार्य वो इसमें से वो कर सकता है। अक्सर जो मस्तिष्क के अधिकांश जो बाएं भाग से हमारे शरीर के दाएं भाग के अधिकांश कार्यों का नियंत्रण होता है। ये आश्चर्य वाली बात है कि अक्सर मस्तिष्क के अधिकांश भाग अधिकांश जो दाएं बाएं भाग से हमारे शरीर के दाएं भाग का कुछ कार्यों का नियंत्रण होता है। ठीक इसी तरह मस्तिष्क के दाएं भाग से शरीर के बाएं भाग के कार्यों का नियंत्रण होता है।
तो हमारे शरीर के दोनों भागों से मस्तिष्क तक पहुंचने वाली जो सूचनाओं से संबंधित जो प्रतिक्रियाएं मिले जुले रूप से व्यक्त होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखते हैं कि आपने हाथ की दोनों उंगली को इस तरह से कर ले और एक को देखो, पहले इसको ऐसे घुमा लेते हैं, ये सामने की और ये इसको, ठीक है, दोनों को एक साथ ऐसे घुमा सकते हैं एक ही तरह से। लेकिन आप दोनों को इस तरह से रखें और इसको ऐसे और इसको उल्टा घुमा के देखो तो ऐसे और ऐसे नहीं होता, दोनों एक साथ ऐसे घूम सकता है एक ही, या फिर एक एक करके एक और घुमा सकते हैं, ये एक को ऐसे और एक को ऐसे रोक कर या एक साथ घुमाना है देखिए हो, लेकिन एक साथ इसको दो एक हाथ को की उंगली को एक और एक को दूसरी ओर घुमा कर देखिए तो ऐसा नहीं होता, कि जैसे ये और ये इसको इधर और इसको इधर ऐसे एक साथ नहीं घूम पाता, ठीक है। इसमें एक क्रियाकलाप और कर सकते हैं, जैसे हमारे पास दो विद्यार्थी है या कोई व्यक्ति ही है आपके पास, उसको एक व्यक्ति को आप बीच में बैठाइए, उसको आँख बंद करने के लिए कहें और आँख बंद करने के बाद आप उसे कुछ 2 मीटर 4 मीटर की दूरी पर एक दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर लीजिए, उसके दाएं ओर बाएं ओर भी वैसे ही खड़े कर लीजिए। आप उसके बाद उतनी ही दूरी पर आगे और पीछे उनका तीसरे चौथे व्यक्ति को खड़ा कर दीजिए और फिर आप इशारे से कहिए कि आपके बाएं वाले व्यक्ति को या दाएं वाले व्यक्ति को ताली बजाने के लिए कहें और उसके बाद बाएं वाले को भी कहें और उनको ये सारा पता ना चले जो बीच में बैठा वह व्यक्ति है आँख बंद करके, तो वो बता पाएगा कि आवाज़ किस ओर से आई है, किस दिशा से, दाएं या बाएं। लेकिन वैसे ही आप आगे और पीछे वाले व्यक्ति को इशारे से कहेंगे तो वो ये नहीं दर्शा पाएगा कि किस ओर से ताली आई है, कि सामने वाला कि पीछे वाला, कि वो नहीं बता पाएगा, है ना। तो इस क्रियाकलाप से क्या होता है, केंद्र में बैठे विद्यार्थी या व्यक्ति के द्वारा दाई एवं बाई दिशा सही दर्शाई गई, पर जब आगे या पीछे ताली बजाई गई तो दिशा दर्शाने में भ्रम हुआ तो हमारे दोनों कानों के बीच की जो दूरी है, इसलिए दाई ओर से आने वाली ध्वनि की सूचनाओं का दोनों कानों तक पहुँचने के समय में अंतर आ जाता है, जिससे मस्तिष्क में इन सूचनाओं का भेद हो पाता है। परंतु आगे या पीछे से आने वाली ध्वनि की सूचनाओं के समय में कोई अंतर न होने के कारण मस्तिष्क में इसका भेद नहीं हो पाता, अर्थात मस्तिष्क तक आने वाली सूचनाओं की प्रति मस्तिष्क हमेशा एक जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता, कई सूचनाओं की जो प्रतिक्रियाएँ हैं वो भ्रमित रूप में भी होती है, जैसे यहाँ पर देखा, ठीक है। हमारे देश में मस्तिष्क संबंधित वर्तमान शोध कार्यों से जुड़ी डॉक्टर शोभा तोले ने मस्तिष्क के विकास का व्यापक अध्ययन किया है और कुछ अनैच्छिक क्रियाओं एवं स्मरण संबंधित क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक अनुवांशिक पदार्थ की पहचान की है। इसके लिए उन्हें विश्व भर में ख्याति प्राप्त हुई। उन्हें हमारे देश में सन 2010 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से नवाजा गया। डॉक्टर शोभा तोले मुंबई के टाटा अनुसंधान केंद्र में अभी कार्यरत है। इसके बाद हम देखते हैं सूचनाओं का आवागमन, उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया, अर्थात ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस। यहाँ पर देखेंगे सूचनाओं का आवागमन, उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस। इसमें क्या है, जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाया गया है, ये कोई धातु का एक पात्र है, ये गर्म है, इसमें पानी है और पानी को गर्म करके रखे हैं धातु के पात्र में। कोई व्यक्ति या हम हो या कोई भी हो, उसको जैसे ही हाथ से स्पर्श करता है तो वो उसको गर्म महसूस होता है और वो हाथ को वहाँ से हटा देता है। तो क्या है, ये वाला जो पार्ट है उसका त्वचा के संवेदी अंग है, यानी जो संवेदना है वो ग्रहण करता है। फिर संवेदी तंत्रिका है, जो संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से जो सूचना है उसको मेरुरज्जु तक तंत्रिका तक के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। फिर ये मेरुरज्जु है, मेरुरज्जु मस्तिष्क तक भी संदेश पहुंचा देता है वहां से होते हुए। फिर वहां से जो प्रेरक तंत्रिका वाला जो भाग है, ये संवेदी तंत्रिका सूचनाओं को पहुंचाने कार्य
प्रेरक तंत्रिका, वहां से प्रेरित तंत्रिका का जो सूचना है वो फिर से वहां आ रहा है तुरंत ही। फिर ये पेशी ऊतक है, ठीक। तो ये क्या होता है, जैसे कि हमको ये त्वचा उसको स्पर्श करता है, गर्म महसूस होता है, संवेदी अंग के द्वारा संवेदना ग्रहण की जाती है और संवेदी तंत्रिका के द्वारा उसको मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। वहां से संदेश आ जाता है प्रेरक तंत्रिका के द्वारा पेशी ऊतक में कि वहां से हाथ हटा लिया जाए, तो हाथ तुरंत हटा लेते हैं वहां से। तो विभिन्न बाह्य एवं आंतरिक स्रोत से कई प्रकार की सूचनाएं हमारे शरीर को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करती रहती है। इस प्रकार की सूचनाओं को हम उद्दीपन कहते हैं। यदि हम इस प्रतिक्रिया या प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर पाते तो यह हमारे शरीर के लिए कई तरह से नुकसानदेह हो जाता है। उदाहरण के लिए, किसी गर्म बर्तन पर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ हट जाता है। गर्मी का उद्दीपन बर्तन से हाथों के जो संवेदी कोशिकाओं को मिलता है, यहाँ से संवेदी तंत्रिका या सेंसरी नर्वस न्यूरॉन जो है उसके द्वारा मेरुरज्जु तक पहुँचता है। वहीं से प्रतिक्रिया जो है वो प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा हाथ के पेशी ऊतक के संकुचन और फैलाव को इस प्रकार प्रभावित करती है कि हाथ हट जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया जो प्रक्रिया है अर्थात उद्दीपन से प्रतिक्रिया तक को प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। प्रतिवर्ती जो क्रिया है उसको इस चित्र में आपको दर्शाया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे कि, या थोड़ा सा मैं आपको जानकारी देने के बाद इस क्लास को कंप्लीट करता हूँ कि यहाँ आंखों व कानों से मेरुरज्जु या मस्तिष्क तक सूचना ले जाने वाली तंत्रिकाएँ संवेदी तंत्रिकाएँ हैं, जबकि मेरुरज्जु या मस्तिष्क से हाथ की मांसपेशियों तक प्रतिक्रिया करने के लिए सूचना पहुँचाने वाली तंत्रिकाएँ प्रेरक तंत्रिकाएँ हैं, ठीक। और इसके बीच जुड़ाव या तो सीधे साइनेप्स द्वारा या अन्य तंत्रिकाओं द्वारा होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अन्य क्लास का अध्ययन करेंगे जो हार्मोन्स द्वारा सूचनाओं का आवागमन होता है उसके बारे में अध्ययन करना है, ठीक है। थैंक यू।